नमस्कार, सत श्री अकाल आदाब। मैं हूं आपका दोस्त अमन, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे चैनल में। दोस्तों, आज आपके लेके आए एक नई मेडिसिन, तो वो किस यूज़ के लिए है और कैसे कैसे, जो आपने टाइटल देखा होगा उसकी बात करते हैं पूरी। तो लेके चलते हैं डॉक्टर साहब के इधर आपको। जी सर, ये मेडिसिन है सेप्टागोन। सेप्टागोन, हाँ सेप्टागोन। ये बेसिकली जो है डिलीवरी के बाद जी यूट्रस की क्लीन के लिए, गर्भाशय की सफाई के लिए यूज़ होती है बेसिकली। जी जी जी, ठीक है ना, क्योंकि जब बच्चा बाहर आता है तो अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं यूट्रस में। बिल्कुल, ठीक है ना, तो वो चीज़ें सब बाहर निकलनी बहुत पानी, गंदा पानी वगैरह टाइप मैला समझ लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, तो उसको वो सब बाहर निकलना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर उसका एक भी कण अंदर रह जाता है तो हाँ इन्फेक्शन हो जाता है, उससे जो है फीवर हो जाता है, सेप्टिक बन जाता है। ठीक है, जिस वजह से पशु को फीवर आता है, प्लस वो जो है दूध उसका बहुत कम हो जाता है, घास खाना बंद कर देता है। तो सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं अगर यूट्रस प्रॉपरली क्लीन नहीं हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो मेडिसिन है, ठीक है, ये आपको जैसे ही डिलीवरी होती है, ठीक है, तो तुरंत ये मेडिसिन स्टार्ट करनी है और 1.5 से 2 घंटे के बीच में, ठीक है, 1-1, 2-2 ml आपको देनी है 1.5 से 2 घंटे के बीच में। जिस दिन डिलीवरी होती है तो उस दिन आपको कम से कम सेम डे 4 बार ये देनी है, 1.5-2 घंटे के गैप में। ठीक है, नेक्स्ट डे फिर आपको ये 3 से 4 बार चलानी है, सुबह दोपहर शाम रात, ऐसे करके 2 दिन के अंदर अंदर ये जो है सारा जितना यूट्रस में मैला होगा सारा बाहर निकाल देती है और पशु पूरा दूध पे आता है। दूध घटेगा नहीं उसका? नहीं, अगर कुछ रह जाता है तो दूध पूरा नहीं आएगा, लेकिन अगर ये मेडिसिन खिला के पूरा उसका क्लीन होता है तो पूरा दूध उतारती है और प्रॉपर हेल्दी रहती है, प्रॉपर घास खाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है ना, तो इसका दूसरा एक फंक्शन और है कि अगर आप इसको डिलीवरी होने से पता लग जाता है कि पशु अब डिलीवर करने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चल जाता है पता कि 5 दिन में या 10 दिन में होने वाला है। नहीं नहीं, डिलीवरी जिस दिन होनी है उसके उस दिन पता लग जाता है कि आज डिलीवरी होगी। बिल्कुल, तो उससे आप लगभग 1 घंटा पहले इस मेडिसिन को अगर स्टार्ट कर दें, 1 घंटा पहले आप उसको 2 या 3 बार उसको दे दें लगभग 20 मिनट के गैप में, तो ये क्या करती है, यूट्रस का जो मूवमेंट है, यूट्रस का मूवमेंट को ऐसे मूवमेंट बढ़ा देती है उसका। तो उससे क्या होता है कि जो बच्चा है वो डिलीवर इजी होता है, इजीली यूट्रस का मुंह खोल देती है, टाइम नहीं लगेगा उसे। एग्जैक्टली, यूट्रस का मुंह खोल देती है वो, तो बच्चा जो है इजीली डिलीवर हो पाता है। ऐसा नहीं है कि बच्चों को खींचना पड़ रहा है, कुछ करना पड़ रहा है, और जेर भी बहुत इजीली बाहर निकलती है। उसके बाद भी आप इसे कंटिन्यू करेंगे डिलीवरी के बाद, तो बेसिकली अगर आप इसको डिलीवरी के पहले से स्टार्ट चालू करेंगे ना, तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देगी और बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर उसको, यूट्रस को साफ कर देगी। बिल्कुल बिल्कुल, 2 दिन का इसका सिर्फ कोर्स होता है। ठीक है, आपको 2 दिन चलानी है ये मेडिसिन और बिल्कुल यूट्रस क्लीन हो जाता है एकदम। ठीक है, तो ये इसका फंक्शन है और इसकी डोसेज जो है बस इस पे बॉक्स पे मेंशन भी है। हाँ जी, बट सेम डे आप 3-4 बार देंगे, नेक्स्ट डे 3-4 बार, बस। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे इसकी डोसेज है, 2 दिन का कोर्स होता है। तो दोस्तों, ये है मेडिसिन सेप्टागोन। ठीक है, MRP जो है इसकी 140 रुपीज़ है। और साथ ही साथ मैं बताऊँ आपको, ये होम्योपैथिक मेडिसिन है सारी की सारी, जिसकी एक्सपायरी मिनिमम 5 साल रहती है। तो ऐसा भी नहीं है कि अगर आप मंगा लोगे तो आपकी चलेगी नहीं, ख़राब हो जाएगी। छोटी सी बॉटल है, सस्ती सी बॉटल है, आपके यूरिन जैसे जैसे सर ने बताया कि उसकी सफाई के लिए है। तो मेरा मानना यह है कि आपको ज़रूर देनी चाहिए। और देनी क्यों चाहिए, क्योंकि आपके जब पशु आपका बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहेगा अंदर से, तो दूध भी कम नहीं होगा उसका, किसी तरह का उसे फीवर नहीं पड़ेगा और ना कोई किसी तरह का उसे इन्फेक्शन बनेगा। ठीक है, तो बाकी जो भी बंदा इंटरेस्टेड हो, स्क्रीन पे व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नई वीडियो में, पहले गुड बाय फ्रेंड्स, टेक केयर ऑफ योर पेट्स, बाय बाय। हमें चाहने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है मुर्शिद, नफरत करने वालों से कहो अपनी दुआओं में असर लाओ।